हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज लोग बात करने वाले हैं कि जब आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन करने जाओगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार पॉलिटेक्निक मॉपअप राउंड का रिजल्ट जो है आ गया है। तो जिसको भी कॉलेज मिला है उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना, जो भी मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ वो सारा डॉक्यूमेंट आप लेके जाओगे तो आपका आराम से एडमिशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको लेके जाना है वो लेके जाना है पासपोर्ट साइज फोटो, 5-6 पीस ले लेना। कलर्ड फोटो होना चाहिए और नया फोटो होना चाहिए, है ना। बायोमेट्रिक फॉर्म ये आपको लेके जाना है और चेक स्लिप ये आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे ही, आपको जो है पॉलिटेक्निक का ऑफिशियल वेबसाइट पे है उस पे आपको बायोमेट्रिक फॉर्म और चेक स्लिप का PDF डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। डाउनलोड करके उसको भर के जाना है। उसके बाद पार्ट ए पार्ट बी ये भी आपको डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर आपने ऑलरेडी रखा होगा जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो, है ना, उस टाइम। उसके बाद रैंक कार्ड लेके जाना है, अलॉटमेंट लेटर लेकर जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, 10वीं का एडमिट कार्ड और 10वीं का मार्कशीट, और ये आपको जो है यहाँ पे ये पॉलिटेक्निक एडमिट कार्ड लेके जाना है। और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है, आधार कार्ड और TC, CLC और SLC। कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ, TC, CLC, SLC बाद में भी दोगे चलेगा यदि आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है ना। उसके बाद एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आप बाद में भी दे सकते हो या फिर पैसे दे के वहां पे बिना बना के भी काम चल जाएगा, है ना। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जो है हॉस्पिटल में बन जाएगा, एंटी रैगिंग आपका जो है कोर्ट में बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे सारी चीजें जो है ये सब चीज आपको लेके जाना है। तो ओवरऑल यही डॉक्यूमेंट में आपको लेके जाना है, एंड कोई भी डाउट है आप कमेंट करो। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।